Good evening, class. Good evening, everyone. Right. कल हम लोग नैरो बैंड एफएम स्टार्ट कर रहे थे, राइट? तो नैरो बैंड एफएम का बेसिक मतलब क्या था, जरा अंडरस्टैंड करें. एफएम पर टू टाइप की कैटेगरी डिफाइन थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 के बराबर या 1 से लेस है तो इसे नैरो बैंड एफएम बोलेंगे, और अगर बीटा का मान मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से ज्यादा है तो इसे वाइड बैंड एफएम बोलेंगे. तो फर्स्ट हम लोग स्पेक्ट्रम ड्राइव कर रहे हैं नैरो बैंड एफएम का, राइट? चलिए, तो अपने पास कल ये एक्सप्रेशन आया था, एस ऑफ टी इज इक्वल टू, इसी सेम एक्सप्रेशन को लेकर, से एस ऑफ टी इज इक्वल टू, कल वाले एक्सप्रेशन से आगे बात करते हैं, एसी कॉस विद इन ब्रैकेट 2 पाई एफ सी टी प्लस एक टर्म आई थी बीटा की इनटू साइन 2 पाई एफ एम टी, राइट? देखो ये कल अपने पास एक्सप्रेशन आया था. आपको अगर स्पेक्ट्रम खींचना है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, फाइन. अगर आपको स्पेक्ट्रम खींचना है तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, फूरियर ट्रांसफॉर्म की, राइट? तो अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या स्टूडेंट्स, कॉस के अंदर ये फंक्शन बन रहा है तो डायरेक्ट इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लिया जा सकता. तो पहले हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करना होगा, कॉस के अंदर ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, राइट? सौरभ बात क्लियर है? कॉस के अंदर आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर खोलना पड़ेगा क्योंकि कॉस के अंदर सिंगल टर्म नहीं है, या यस यहां टू टर्म्स हैं, फाइन. तो मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिखना चाहिए अपने को, पहले एक लाइन, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, हालांकि इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म बिकॉज इनसाइड कॉस हेलो It is not possible to take Fourier transform because inside sine function is also present. इसके अंदर sine function भी present है. तो अगर अंदर cos के अंदर ये वाला function है plus एक extra sine का function है तो आप Fourier transform direct नहीं ले सकते. तो पहले क्या करना चाहिए, देखो एक फार्मूला आप सभी जानते हो, कॉस का. अगर मैं आपसे कहूं कॉस ए प्लस बी तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी.
राइट, इस बेसिस पर ऊपर वाले फॉर्मूले को ओपन करिए, तो एस ऑफ टी मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो जाएगा, ए सी कॉस, देखो ए का मतलब है ये पूरा, इस पूरे को 2 पाई एफ सी टी को ए मान लिया, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस बी का मतलब ये पूरी टर्म आएगी, अब इस पूरे को बी मान लिया राइट, इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉस के अंदर विद इन ब्रैकेट लिखो बीटा इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी, फिर इसके बाद फर्दर अपने पास वैल्यू आ जाएगी माइनस राइट, एसी पहले से था तो एसी, अब साइन ए तो साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन बीटा का मतलब अंदर वाला बी का मतलब फिर से आ जाएगा बीटा इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी। एक बार सभी लोग देख लो, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है इक्वेशन लिखने में, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट की है, किसी को इस इक्वेशन को लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। प्रॉब्लम थी कि हम इस पूरे का डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं जानते, तो मैंने बोला है इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म बिकॉज इनसाइड साइन फंक्शन इज आल्सो प्रेजेंट। तो आपने क्या किया, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया और ये वैल्यू बन गई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहां पर ये जो फंक्शन ओपन हुआ ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी कॉस के साथ अंदर ये पूरा फंक्शन, फिर माइनस सॉरी ए सी पहले से था साइन ए साइन बी राइट। अब देखो मैं क्या अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, यहां पर अप्रोक्सीमेशन लेने का मतलब क्या है, यहां मुझे अब राइट यहां अब मेरी कोशिश है, इस बात को सभी लोग ध्यान देंगे, क्या अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, इस पूरे को मैंने मान लिया है थीटा, इस पूरे को आपने थीटा मान लिया, ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स, थीटा। अब देखो जरा अप्रोक्सीमेशन करते समय इफ फॉर अप्रोक्सीमेशन अगर थीटा का मान लेस देन वन हो, थीटा का मान क्या हो, लेस देन वन, तो ध्यान से सुनना सभी लोग, थीटा का मान अगर लेस देन वन है तो कॉस थीटा लगभग किसके बराबर हो जाता है, वन, और साइन थीटा लगभग बराबर हो जाता है थीटा। क्या ये बात सभी जानते हैं, बोलिए सौरभ बताओ, कॉस जीरो का मान लगभग वन है और साइन थीटा का मान, साइन अगर बहुत छोटा एंगल है तो बताया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में साइन थीटा बराबर थीटा, बोलो वेरी लो वैल्यू ऑफ एंगल पर फाइन, ठीक है, और थीटा का मान किससे छोटा है, जब वन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जरा देखो आप सोचिए, बीटा का मान किससे छोटा है, एक से छोटा या एक के बराबर है राइट। इधर देखो आप, इस साइन 2 पाई एफ एम टी में ये कितना भी मान हो, इसमें जब बीटा का गुणा होगा, एक से छोटी संख्या का जब गुणा होगा, एक से छोटी संख्या का जब गुणा होगा, तो क्या ये वैल्यू थीटा, ये पूरा मान कॉस के अंदर ये पूरा मान छोटा हो जाएगा, तो थीटा का मान एक से छोटा नहीं हो जाएगा। यस संजय, अगर ये पूरा मान थीटा मान लें तो बीटा का मान अगर एक से छोटा हुआ तो क्या इस पूरे पर एक से छोटा या एक से बराबर होने पर ये मान लगभग एक के पास पहुंच जाएगा या एक से छोटा पहुंच जाएगा, तो थीटा लेस देन वन का मतलब
क्या कॉस थीटा को वन मान सकते हैं और उस समय साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा। तो क्या ये अप्रोक्सीमेशन समझ पा रहे हैं सभी? तो अब मुझे बताओ ये वाली टर्म पूरी साइन थीटा है तो केवल क्या आ जाएगा थीटा, और ये वाला पूरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा वन। फाइन, एस ऑफ टी का मान, अगर मैं एस ऑफ टी का मान पुट करना चाहूं तो देखो एस ऑफ टी का मान आ जाएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, और कॉस थीटा देखो स्टूडेंट्स ये पूरा कॉस थीटा बन गया, और इस पूरे कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे वन, इस पूरे कॉस थीटा को क्या बोलने वाले हैं वन। और फिर माइनस एसी साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन पूरा क्या बन गया थीटा, और इस साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर दोगे, इस साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर दोगे आप किसके बराबर थीटा के बराबर, और थीटा का मान क्या माना था आपने, थीटा का मान माना था बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी, ये आपने थीटा को माना। तो अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास एस ऑफ टी क्या आ गया एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू वन माइनस ए सी साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। अब आप जानते हैं क्या इस बीटा को, देखो स्टूडेंट्स इस बीटा को मैं बाहर भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा एस ऑफ टी बराबर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस ए सी इंटू बीटा इंटू साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी। अब एक फार्मूला अगर आप और याद करें, पहले यहां तक लिख लो, आराम से लिख लो इसको, यहीं से स्टार्ट हुआ है नैरो बैंड एफएम। आगे मूव करें, देखो अब याद करिए क्या ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला। देखो स्टूडेंट्स ये मुझे भी पता है कि थोड़ा मैथमेटिकल चीजें हैं राइट, बट इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। एक जनरल फार्मूला आप याद करिए, क्या 2 sin A साइन बी का एक फार्मूला आप पढ़ते हुए आए हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। राइट, क्योंकि अब ये दिक्कत आ रही है, यहां ऊपर वाले को अगर हम देखें, देखो इधर तो आपको मेंशन हो रहा होगा, एक मिनट सॉरी, आपको मेंशन हो रहा होगा ये वाली जो टर्म है क्या ये साइन ए साइन बी है,
और अगर ये साइन ए साइन बी है, अगर ये टर्म साइन ए साइन बी है, तो क्या अपन इसको डिवाइड बाय टू और मल्टीप्लाई बाय टू बना सकते हैं, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका भी अभी डायरेक्ट नहीं पता। फाइन, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आपको इस फंक्शन और इस फंक्शन का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आप जानते हैं दो इंपल्सेज आ जाएगा, राइट। लेकिन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी आप डायरेक्ट नहीं जानते। अब हमने क्या किया, इस फार्मूले की मदद ली। क्लियर है क्या सबको? जी। अब आप बोल सकते हैं एस ऑफ टी का मान क्या आ गया, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस एसी बीटा अपॉन में, अपनी तरफ से मैंने एक दो और एक दो ऊपर लिया, तो 2 साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी। यहां से जब आप एस ऑफ टी ओपन करेंगे तो देखो वैल्यू क्या बन गई, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस एसी बीटा बाई टू। हाँ, एक पहले बनेगा कॉस ए माइनस बी, तो नवीन मेरी बात गेट हो रही होगी, कॉस 2 पाई पहले एफ सी माइनस एफ एम बनेगा। और एक बार देखो इधर देखिए, ये माइनस पहले से बाहर गुणा है और अंदर भी एक माइनस आ रहा है, तो क्या मैं पहले से प्लस लिख दूं? ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा, चलो नहीं है मन तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, अंदर एक साइन था माइनस, फिर बाद में इसको प्लस कर लेंगे, कोई बात नहीं। कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू, राइट। और एक प्रॉब्लम और रह गई इसमें, एसी बाई टू, सॉरी एसी बीटा बाई टू का दोनों में गुणा है, राइट। तो अब इसको लिखते हैं फिर से, एस ऑफ टी बराबर, लास्ट स्टेप है भैया, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस एसी बीटा बाई टू कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी, और माइनस माइनस प्लस, ए सी बीटा बाई टू कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी। बताओ यहां तक कोई इशू हो, यहां तक क्लियर है? देख लो सभी लोग आराम से। अब मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। आप याद करिए, कॉस ओमेगा सी टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में टूटेगा, दो प्लस जे ओमेगा सी टी माइनस जे ओमेगा सी टी बाई टू, तो दो इंपल्स आती थी। फाइन, अरे डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी, क्लियर। तो मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ डोमेन का भी सीधे पढ़ाया था, उसमें बताया था डिवाइड बाय टू करना पड़ता था। नवीन याद है, संजय, फाइन। तो अगर आप यहां फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लें, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, अगर दोनों पक्षों में फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, तो क्या एस ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एस ऑफ एफ हो जाएगा, और एसी को क्या लिख सकते हैं आप, एसी बाई टू अंदर डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। बोलो समझ में आया नहीं आया, याद आया? ठीक है, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ।
क्या ये जो वैल्यू है ए सी बीटा बाई टू, इसमें एक बटे दो और आ जाएगा जब इंपल्स के फॉर्म में यूज करोगे, तो क्या लिख सकते हो माइनस का ए सी बीटा बाई फोर अंदर डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है, अगला लास्ट प्लस ए सी बीटा बाई फोर फिर डेल ऑफ एफ माइनस, देखो इधर ये देखो राजरानी, इधर एफ सी प्लस एफ एम है तो अंदर इंपल्स में क्या होगा डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एफ एम, और एक बार प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी प्लस एफ एम। तो अपने पास टोटल कितने इंपल्स आ गए, टोटल छह इंपल्स आ गए स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए। राइट, अब इसका स्पेक्ट्रम ड्रा हो सकता है। नवीन स्पेक्ट्रम दिखाओ, सभी लोग क्या स्पेक्ट्रम बना रहे हो, कॉपी दिखाइए कैमरे पर। अदिति, ज्ञान प्रभा, ब्रजेश, प्रिया, निधि, जीकेपी, शिवम, कॉपी दिखाते जाओ। राहुल, स्पेक्ट्रम बनाओ जरा इसका इंपल्सेस। चलो मैं ही बनाता हूं। अगर इंपल्सेस की बात करें पहली इंपल्स देखिए, यहां राजरानी गलत है ना, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है, और किसी ने बनाया? ज्ञान प्रभा, राहुल, अरे आप लोग क्लास क्लास में हो या नहीं हो? संजय गलत है, ब्रजेश कैमरा ऑन करो, सब सब मुरारी बापू की कथा चल रही है।
अति होल्ड करो, होल्ड 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 कॉपी को, रोक कर रोक कर, गलत है। अदिति गलत है, राहुल सूर्यवंशी गलत, ज्ञान प्रभा गलत है, नहीं गलत है, सौरभ गलत है, नवीन गलत। चलो लगभग सभी ने एक ही स्पेक्ट्रम बनाया है। चलिए ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले ये दिमाग में लाइए, इधर देखिए, एक कैरियर फ्रिक्वेंसी पर एसी बाई टू होगा, तो आपने एफसी पर ये खींचा, दिस इज ऑन एफसी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना था, हाँ जीके पी, वेरी गुड, करेक्ट 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 करेक्ट, फाइन। गोपाल आज कमाल कर दिया आपने, नहीं सॉरी नॉट गोपाल, गोविंद, एसी बाई टू, संजय नीचे भी आएगा, आप लोग ऊपर बना रहे हो, ममता ये क्या बना दिया, ट्रायंगल बना रहे हो आप, इंपल्स की बात हो रही है, चलो देखो ये एफ सी आया, दिस वन एफ माइनस एफ सी का मतलब एक प्लस एफ सी में आएगा, अंदर अगर माइनस है तो बाहर प्लस पर आएगा, अब एफ प्लस एफ सी का मतलब एफ प्लस एफ सी को जीरो के बराबर रखिए, तो एफ बराबर माइनस एफ सी, तो एक इंपल्स माइनस एफ सी पर आएगी, माइनस एफ सी पर भी जो इंपल्स आएगी वो ए सी बाई टू की आएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर आप अगली इंपल्स को देखें, तो ये दो इंपल्स हमारी हो चुकी हैं, अगली इंपल्स का मैग्नीट्यूड सभी लोग देखो, माइनस का एसी बीटा बाई फोर है, और अगर सिग्नल के बाहर माइनस लिखा है तो क्या इसका मतलब सिग्नल अपनी ओरिजोंटल एक्सिस के अराउंड, ओरिजोंटल एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज देगा, बोलिए सौरभ, ये कैसा दिया हुआ है, माइनस एसी बीटा बाई फोर, अगर ये प्लस होता तो सबका आंसर सही था ऊपर, आप सभी ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह एग्जैक्ट बना दिया है, जबकि यहां साइन कैसा आ रहा था, माइनस, तो क्या माइनस का मतलब डाउनवर्ड आएगा ग्राफ, क्लियर संजय, और किस फ्रीक्वेंसी पर, एफ सी माइनस एफ एम, मतलब ये माइनस जो यहां था, आप बोलोगे एफ बराबर एफ सी माइनस एफ एम, इस बार एफ सी से जब आप एफ एम फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो आपके पास ये स्पेक्ट्रम आएगा, सॉरी, और इसका मान होगा ए सी बीटा बाई फोर माइनस का, दिस इज एफ सी माइनस एफ एम, एक तो ये बना दिया और एक एफ सी माइनस एफ एम इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम, माइनस एफ सी प्लस एफ एम, और ये इंपल्स नीचे बनेगी, क्लियर है सबको, बाकी तो सही था, फाइन। अगला
फिर दो इंपल्स और थी, एक इंपल्स एफ सी प्लस एफ एम और एक इंपल्स एफ सी प्लस एफ एम की निगेटिव में, तो इसका कलर बदल लेते हैं, एक इंपल्स एफ सी प्लस एफ एम इधर बनेगी, दिस इज एफ सी प्लस एफ एम और ये बनेगा ए सी बीटा बाई फोर। देखो प्लस का ए सी बीटा बाई फोर है और एक यहां अंदर प्लस है तो ये जाएगा माइनस में, लेकिन बनेगा ये ऊपर ही। दिस इज ए सी बीटा बाई फोर एंड दिस इज माइनस एफ सी माइनस एफ। अब सभी लोग देख लो, मुझे बताओ स्पेक्ट्रम में कोई इशू हो, अब आराम से देख लो, कहीं कोई मिस्टेक हो तो बताओ। ठीक है, हाँ अपर साइड बैंड स्पेक्ट्रम कौन सा है? देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला स्पेक्ट्रम कैरियर है, दिस इज कैरियर, और ये वाला अपर साइड बैंड वाला है, याद आया? और ये वाला लोअर साइड बैंड वाला है, जैसे अगर एम ई के प्लस होना चाहिए, कौन सा ई के प्लस होना चाहिए? राजरानी किसको प्लस बोल रहे हो? दोनों ए सी बीटा बाई फोर। अरे इसका एम्पलीट्यूड क्या है? देखो इधर माइनस, तो इसलिए ये वाले दोनों माइनस में है, ठीक है, क्लियर। और बाद वाले दोनों प्लस में है, चलिए अगर मैं एम से कंपेयर करूं तो एम वाले स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेक्ट्रम ऐसा आता था, एक मिनट, ये सभी का बन गया है, सभी का सही भी था, आगे बढ़ सकते हैं अब। चलो हाँ वो सही था सभी का, कोई इशू नहीं है, फेस शिफ्ट नहीं देखा आप लोगों ने जस्ट। अब देखो, अरे नहीं नहीं नहीं, वर्टिकल एक्सिस में सिमेट्री तब देखते हैं जब फंक्शन के अंदर माइनस हो, एक्स ऑफ माइनस टी, यहां फंक्शन के बाहर माइनस है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्लियर ममता? पॉइंट क्लियर है आपको? अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ये जो हमने नीचे बनाया है, नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि फंक्शन के बाहर माइनस था, और अगर इसके अंदर यहां माइनस होता तब आप क्या बनाते? तब आप वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज बनाते, क्लियर। चलो अब देखो, क्या एम का स्पेक्ट्रम ऐसा आता था? एम पर स्पेक्ट्रम वाइज ये एफ सी होता था और यहां ए सी बाई टू आता था, और अपर साइड बैंड पर एफ सी प्लस एफ एम पर ए सी म्यू बाई फोर आता था, लोअर साइड बैंड पर ए सी म्यू बाई फोर आता था एफ सी माइनस एफ एम पर, इस तरफ
AC by 2 माइनस का FC और इधर आता था AC mu by 4 and this is minus FC plus FM. This side minus FC minus FM AC mu by 4. ये AM का आता था, right? जो AM और अगर FM में comparison किया जाए तो बताओ केवल फर्क क्या आ रहा है? क्या ऐसा नहीं लग रहा यहां पर, एक मिनट सॉरी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि केवल जो लोअर साइड बैंड है उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया है, राइट? बाकी ये दोनों एक जैसे ही तो आ रहे हैं, बोलिए। तो इसका मतलब बना लो इसको भी, ऊपर वाला था स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम, ऊपर वाला था स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम, और कौन सा एफएम था? नैरो बैंड। और नीचे वाला है स्पेक्ट्रम ऑफ एएम, हेलो हेलो, हाँ अभी आए नहीं यार, जो है आएंगे तो फिर बात करा। नहीं 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 ऐसे कहते हैं, आने वाले होंगे, आने वाले होंगे, आते हैं जैसे मैं बात कराता हूँ। हो गया कंप्लीट? चलो इसमें कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है, लोअर साइड बैंड द लोअर साइड बैंड ऑफ सॉरी लोअर साइड बैंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ in the spectrum of narrow band FM is out of phase by 180 degree। पहला difference clear है सबको?
एएम और एफएम में लोअर साइड बैंड में केवल कितने का फर्क है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। फाइन। अगला, बाकी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर मॉड खींचें, मॉड कर्व समझते हैं सभी, अगर ग्राफ का मॉड लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ग्राफ एज इट इज रखना और निगेटिव को, निगेटिव का मॉड क्या होता है सौरभ, निगेटिव का मॉड ऊपर आ जाएगा, बोलो। तो अगर किसी ग्राफ का मॉड खींचा जाए तो पॉजिटिव जैसा है वैसा ही रहेगा, बाकी जो निगेटिव पर है क्या वो भी ऊपर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ नैरो बैंड एफएम एंड एएम बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, सो द पावर एंड बैंडविड्थ, सो द पावर एंड बैंडविड्थ आर ऑल्सो सेम, पावर एंड बैंडविड्थ आर ऑल्सो सेम। इसका मतलब जब ग्राफ नहीं बदल रहा तो क्या बैंडविड्थ और पावर बदलेगी, पावर और बैंडविड्थ सेम रहेगी, केवल ग्राफ में क्या फर्क आया है, ग्राफ में लोअर साइड बैंड नीचे चला गया है, और कोई फर्क है क्या स्टूडेंट्स, बैंडविड्थ उतनी ही रहेगी जितनी एएम की थी, तो हम कह सकते हैं बैंडविड्थ शुड बी, बैंडविड्थ बराबर ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, याद करो बैंडविड्थ वहां 2 FM होती थी, 2 into FM, AM में सेम आंसर यहां हो जाएगा। पावर देखो, याद करो पावर का फार्मूला वहां होता था P टोटल बराबर PC 1 plus μ² / 2, ये फार्मूला AM में होता था, ये फार्मूला AM में होता था। अब दोनों फार्मूले आप यहां यूज करो, बैंडविड्थ का फार्मूला 2 into FM, ये किसके लिए है, अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। पावर का फार्मूला टोटल पावर बराबर PC 1 plus β² / 2, ये किसके लिए है, FM, बीटा का मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा का मतलब है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, बीटा मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और ये दोनों बातें किसके लिए हैं FM में, ये दोनों बातें हैं फॉर नैरो बैंड FM, इसलिए प्रैक्टिकली नैरो बैंड FM यूज नहीं होता, क्योंकि AM के जैसा सिमिलर है। प्रैक्टिकली कौन सा FM यूज नहीं होता, नैरो बैंड FM। प्रैक्टिकली
नैरो बैंड एफएम इज नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलरिटी टू एएम. कौन सा प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं होता? नैरो बैंड एफएम प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसकी सिमिलरिटी किसके जैसी है? एएम. इसलिए आप जिसको यूज करते हैं वो कौन सा है? वाइड बैंड एफएम. किसका प्रयोग आप करते हैं? वाइड बैंड एफएम, जिसमें बीटा का मान क्या होता है? एक से ज्यादा. जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? वाइड बैंड एफएम. हो गया कंप्लीट? इसलिए प्रैक्टिकली कौन सा यूज नहीं होता? नैरो बैंड एफएम. कभी कोई पूछे नैरो बैंड एफएम का क्या ड्रॉबैक है, तो नैरो बैंड एफएम और एएम में सब कुछ लगभग सिमिलर है. बैंडविड्थ कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर. वहां म्यू का मान, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान प्रैक्टिकली 0 से 1 के बीच में होता था. यहां भी बीटा का मान लेस देन 1 है, राइट? 1 से ज्यादा का मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब था ओवर मॉड्यूलेशन का केस. अगर आपको याद हो, एनवेलप डिटेक्टर में दिक्कत आती थी, राइट? तो यहां पर अब बीटा का मान यहां मोर देन 1 होने का मतलब है वाइड बैंड एफएम. और वाइड बैंड में डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स वैल्यू बनती चली जाती हैं. और इसी के लिए वैज्ञानिक कार्सन ने कार्सन रूल दिया था बैंडविड्थ कैलकुलेशन का. और इसी में यूज होता है बेसेल फंक्शन. तो बेसेल फंक्शन आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बेसेल फंक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करूंगा. तो नेक्स्ट गिव द हेडिंग. या हेडिंग से पहले मैं स्पेक्ट्रम भी एक बार आपको बता देता हूं. जैसे हम लोग अगर स्पेक्ट्रम की बात करें, मान लीजिए हमारे मन में है कि हम एक बार स्पेक्ट्रम को ड्रा करके देखें. इसका स्पेक्ट्रम बात कर रहा हूं मैं एफएम का. एफएम का जो स्पेक्ट्रम आता है, आगे चलकर हम लोग वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, राइट, इसका जब जनरेशन करेंगे तो स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करते हैं. जैसे मान लो अपने पास, इधर देखना, एक स्पेक्ट्रम से मैं आपको आइडिया देता हूं, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं जो कल बात मैंने बोली थी. मान लीजिए ये अपने पास कोई एएम सिग्नल है, सॉरी, ये कोई अपने पास कैरियर सिग्नल, जो जनरल सिग्नल है, मैसेज सिग्नल. मैसेज सिग्नल ऐसा है कुछ, ये कोई मैसेज सिग्नल है, राइट? और इस मैसेज सिग्नल के नीचे, इस मैसेज सिग्नल के नीचे हम लोग कैरियर सिग्नल ड्रा कर रहे हैं. इस समय आप
कैरियर सिग्नल इसके जस्ट नीचे ड्रा करेंगे। एक मैसेज सिग्नल आपने लिया और इसके नीचे अब आप कैरियर सिग्नल ड्रा कर रहे हैं, राइट। मैंने जस्ट आइडिया लेने के लिए नीचे डॉटेड लाइंस खींची हैं। ताकि ग्राफ में मेरे को आइडिया रहे कहां डॉटेड के बीच में कितनी वैल्यूज दिखानी है। ठीक है, मान लो ये कैरियर सिग्नल्स हैं, राइट। ये अपने पास कोई कैरियर सिग्नल है, राइट। ये दोनों आप पहले बना लीजिए। फिर इसके नीचे अब मैं ग्राफ खींचता हूं।
बना लिया सभी ने? चलो स्टार्ट करें। अब देखिए, फर्स्ट यू विल वॉच, आप यहां पर क्या देख रहे हो? एक मैसेज सिग्नल, लाइक कोई बेसिक साइनोसोडल सिग्नल हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का लिया, और यहां पर ये कैरियर सिग्नल है, राइट? ये कॉन्टिन्यूअस कैरियर वेव सिग्नल है, कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, फाइन, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो क्या होगा, जब याद करिए स्टूडेंट्स, आपने एफएसके जैसा एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जब आप पढ़ते थे, थोड़ा सा रिकॉल करो, हालांकि बात मैं डिजिटल में करूंगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में आपके पास ग्राफ ऐसा होता था, रेक्टेंगुलर पल्स चलती थी, वन फिर जीरो फिर वन फिर जीरो और ऐसे, और नीचे इसी के कैरियर चल रहा होता था, लाइक दिस कैरियर। तो आपको याद होगा इस सिग्नल में जहां जहां वन है वहां आपके पास बहुत सघन वेवफॉर्म मिलती थी, जहां जहां ऊपर वन है वहां कैरियर बहुत सघन मिलता था, और जहां जीरो है वहां दूर दूर, और फिर पास पास, और फिर दूर दूर। याद आया? पल्स कोडेड, जब डिजिटल मॉड्यूलेशन आप पढ़ते थे तो वहां पर वन और जीरो का लॉजिक होता था, राइट? अभी यहां एनालॉग पढ़ना है, तो आप मुझे बताइए, जब सिग्नल पर एम्पलीट्यूड लो है, जब जब एम्पलीट्यूड अभी लो है, राइट? अभी एम्पलीट्यूड कितना था स्टूडेंट्स? लो, राइट? मैसेज का, मैसेज पर अभी वैल्यू कम है इसके एम्पलीट्यूड की, तो क्या इस समय ग्राफ, इस समय जो अपने पास ग्राफ होगा वो दूर दूर ही चलेगा? एक लाइन में यहां भी दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा ग्राफ मैं आपको रिप्रेजेंटेबल वे में बता पाऊं। फाइन, अब देखो यहां आपको पता है जब एम्पलीट्यूड का मान लोवेस्ट है, कम है, जीरो से भी चल रहा है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू अभी एम्पलीट्यूड यहां एम पर मैक्स आएगा, तो इस समय हमारे पास एफसी पर क्या बढ़ जाएगा? इधर बोलो, एफसी पर डेल्टा एफ, फ्रीक्वेंसी में बदलाव जुड़ेगा, राइट? इसका मतलब क्या मैं आपसे कह सकता हूं, इस समय स्टार्टिंग पर ये ग्राफ नॉर्मल वे में चल रहा है, लेकिन यहां बहुत सघन हो जाएगा और फिर ये दूर चलेगा, और यहां बहुत पास पास चलेगा, फिर नॉर्मल चलेगा, और फिर बहुत दूर चलेगा, और फिर नॉर्मल चलेगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखो, जब जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, और बढ़कर अपने पीक मान पर पहुंच गया मैसेज, तो क्या उस समय बहुत सघन वेवफॉर्म मिलने लगे, हाई फ्रीक्वेंसी? इधर देखिए नवीन, एफसी प्लस डेल्टा एफ मिलेगा, दैट मींस वहां वेवफॉर्म बहुत सघन हो जाएंगी, राइट? और इसके बाद अब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड घट रहा है, राइट? और इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, क्या इस पर्टिकुलर वैल्यू पर केवल और केवल एफसी जैसा था वैसा ही चल रहा होगा? तो उस समय वैसा ही चल रहा है, फिर मैसेज का एम्पलीट्यूड घट रहा है और अपने लोवेस्ट मान पर पहुंच रहा है, जहां लोवेस्ट वहां बहुत स्लो चल रहा होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, राइट? तो दूर दूर बनाएंगे वेवफॉर्म, और यहां बहुत पास पास, और यहां नॉर्मल। क्या
क्या क्लियर हुआ सभी को? तो इसी तरह से वेरिएशन बनता है स्टूडेंट्स। यहां क्या बना? एफ सी प्लस डेल्टा एफ, यहां एफ सी, यहां एफ सी माइनस डेल्टा एफ, फिर एफ सी, ऐसे चलता जाएगा। तो कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एफ सी में प्लस डेल्टा एफ होना और एक बार एफ सी में माइनस डेल्टा एफ। क्लियर? बना लीजिए अब इसको, और यही कहलाता है किसका ग्राफ? इंस्टेंटेनियस वाला, एफ ऑफ आई। एफ ऑफ आई का ही मतलब है एफ सी प्लस डेल्टा एफ होना। बना लीजिए, ये याद होगा ना आप लोगों को, जो पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन डीपीसीएम एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन जब पढ़ते हैं, जब हम लोग एफएसके पीएसके पीडब्ल्यूएम जो सॉरी पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जब भी हम लोग अब बात करेंगे डिजिटल की, तो वहां पर रेक्टेंगुलर पल्स में ये कॉन्सेप्ट आता था। ठीक है, क्यों नहीं कम होगी स्टूडेंट्स? नवीन कल क्या बताया था, इधर देखो, शायद कल आपने इस बात को फिर नोटिस नहीं किया, कल मैंने ये बताया था आपको, कहां गया दिस वन, अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर था। अब आप बताओ, अगर मैसेज निगेटिव में है तो क्या जब ये एफ सी में वैल्यू माइनस होगी, इसकी सेंसिटिविटी इनटू माइनस का वोल्टेज, तो क्या ये कैरियर की वैल्यू से भी फ्रीक्वेंसी घटेगी? नहीं। तो दैट इज एफ सी माइनस डेल्टा एफ, और पहले क्या हो रहा था? एफ सी प्लस डेल्टा एफ। तो कल यहां बताया था मैंने आपको, एफ आई बराबर एफ सी जनरल चल रहा है, और एक बार एफ सी प्लस डेल्टा एफ और एक बार एफ सी माइनस डेल्टा एफ, जब एम्पलीट्यूड मैक्स वी मैक्स तब एफ मैक्स, और जब वी अपना मिनिमम तब एफ मिनिमम। क्लियर? इसलिए ऐसा ग्राफ बोल रहे हैं। ग्राफ मैंने जनरल बना दिया, आप लोग अपने हिसाब से बना लेना। अब हमें एंट्री करनी है कार्सन्स रूल पर, राइट? अब तक जो पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, नैरो बैंड एफएम। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? वाइड बैंड। लेकिन पढ़ते समय हमें दोनों को पढ़ना है। क्लियर? एटलीस्ट नाम पता हो। नैरो बैंड एफएम क्यों नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? कभी कंपैरिजन किया जाए, नैरो बैंड एफएम इज क्वाइट सिमिलर टू एएम, राइट? बीटा का मान एक से छोटा है, मैक्स टू मैक्स बराबर है, पावर बैंडविड्थ सब कुछ उसी जैसा है, केवल लोअर साइड बैंड का स्पेक्ट्रम उल्टा है 180 डिग्री, ठीक है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। और ग्राफ का एब्रीविएशन सभी समझ गए हैं। अब हमें जिस बात को कंप्लीटली पढ़ना है, जिसकी स्टार्टिंग अब मैं करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू बी एफ एम, वाइड बैंड एफ एम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू बी एफ एम। बीटा का मान एक से बड़ा है, वाइड बैंड एफएम, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
अब हमें यहां से कार्सन्स रूल की एंट्री करनी है वाइड बैंड एफएम पर। स्टूडेंट्स आज एक्चुअली अभी मेरी थोड़ा सा ट्रेन है तो मैं अभी निकलूंगा, राइट। आज एक्चुअली स्टूडेंट्स मुझे कहीं जाना था, तो आप लोग की क्लास इवनिंग की थी इस वजह से अभी क्लास अब पॉसिबल नहीं है। कल हो सकता है मैं क्लास ना लूं, परसों आपकी क्लास रहेगी। नहीं नहीं ऑफलाइन बैच भी ऑफ है, ऑफलाइन बैच भी ऑफ है, मैं आज उनको ऑफ करके ही आया हूं, ठीक है। कल मैं नहीं हूं, परसों आपकी क्लास रहेगी, राइट। और जो आपका भी दो दिन का मतलब मिसमैनेजमेंट रहा उसको मैं परसों मैनेज करने की कोशिश करूंगा, परसों से मैनेज कर दूंगा, ठीक है। दिन में क्लास शेड्यूल लगाने की कोशिश करूंगा। हाँ लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ओके थैंक यू। यहां तक तो लिख लिया है ना सबने, ठीक है, ओके ओके बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट। कल क्लास नहीं है, नेक्स्ट परसों रहेगी क्लास, मोस्ट प्रॉबेबली परसों है, अगर नहीं आ पाया तब की बात है। चलो मैसेज करवा दूंगा मैं।